यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रोक्तं श्रद्धा विहीनाय अरण्य रोदनं भवेत्। यदि शिष्य श्रद्धा विहीन है तो उसको शिष्य स्वीकार करके जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए उपदेश देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वन में जाकर रुदन करना। अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण के लिए समर्पित करते हुए कहा, प्रभो मैं अज्ञानी हूँ, दीन भाव से ग्रस्त हूँ, धर्म के विषय में किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे संभालिए। कृष्ण के योगीश्वर एवं परमेश्वर रूप से वो परिचित था, इसलिए उनकी शरण जाने में उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। सद्गुरु ही पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, जो जीव जगत और ब्रह्म की ग्रंथि खोलकर शिष्य को तीनों तत्वों की विशेषता और उनके जुड़ने के रहस्य को शिष्य पर प्रकट कर देता है। गीता जगत गुरु कृष्ण के कमल मुख से प्रकट ज्ञानोपदेशों की गंगा है, जो युगों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर रही है। अथ द्वितीय अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तथा कृपयावेष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्जुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्ति कर्म अर्जुन। कृष्ण ने देखा अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, उसका मन करुण भाव से आपूरित है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस युद्ध भूमि में तुझ जैसे योद्धा का मोहग्रस्त होना आर्य आचरण के विपरीत है, इससे न तो तुझे स्वर्ग मिलेगा न ही यश। क्लेब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वै उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्सयामि पूजार्हावरिसूदन। हे अर्जुन, इस प्रकार की क्लैव्यता तुझ जैसे योद्धा के अनुरूप नहीं है। हे शत्रु संहारक, हृदय की इस शुद्र निर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। विवशता बताता हुआ अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, पितामह और गुरु द्रोण पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ, वो तो मेरे संपूज्य हैं। हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भय शमपीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्, नाचैतद् विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु
यानेव हत्वा नजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हे मधुसूदन, इन महानुभाव श्रेष्ठ गुरुजनों का संहार करने की अपेक्षा मैं इस लोक में भीख मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं। हे कृष्ण, गुरुजनों के रक्त में समय अर्थ और काम जनित भोगों को मैं कैसे भोग सकूंगा? वास्तव में युद्ध करने और युद्ध न करने में से कौन श्रेष्ठ है, हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। हमें यह भी पता नहीं कि इस युद्ध में विजय किसे मिलेगी, कैसी विडंबना है। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धार्तराष्ट्र हमारे सम्मुख युद्ध के लिए खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रश्यामि त्वाम धर्म सम्मूढचेता यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं नहि प्रपश्यामि ममापनुत्याद् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणां अवाप्य भूमा वसपत्नमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हे माधव, मेरा स्वभाव कायरता के दोष से ग्रसित हो गया है और धर्म के विषय में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध मुझे नहीं सूझ रहा। इसी कारण हे ऋषिकेश, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा कल्याण कैसे और किन साधनों से संभव है, आप ही निश्चित करें। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे आप संभालें। क्या निष्कंटक सब प्रकार से संपन्न राज्य और स्वर्ग पर आधिपत्य मेरी शोक संतप्त इंद्रियों को सुख दे सकेंगे? एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय ने युद्ध का विवरण देते हुए बताया कि हे राजन, निद्रा को वश में करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को इस प्रकार शोक से विह्वल देखकर इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेवे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। हे अर्जुन, जो शोक करने के विषय ही नहीं है, तू उन्हीं विषयों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है। सुन, जिनके प्राण निकल गए हैं और वो जो जीवित हैं, पंडित उनके लिए शोक नहीं करते। हम, तुम और ये सभी राजा हर काल में थे, ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुहीयति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास तां स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जीवात्मा इस मानव के शरीर में जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में रहती है, वैसे ही जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो धैर्यवान इस परिवर्तन से विमोहित नहीं होते। हे कौन्ते, सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करने वाली इंद्रियां और विषयों का संयोग अनित्य है, तू इन्हें सहन कर ले। यम ही न व्यथन्तेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुंतस त्वनयोस्तत्वदर्शिभि। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान दृष्टि से देखने वाले जो धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न भोगों से व्याकुल नहीं होते, ऐसे व्यक्ति ही अमृत तत्व पाते हैं। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। ज्ञानी पुरुष सत और असत को इसी प्रकार से देखते हैं। अविनाशी तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमप्यस्यास्यन्ना कश्चित् तर्कुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी तत्व को हे अर्जुन तू जान ले। ये जीवात्मा अनश्वर, अप्रमेय और नित्य स्वरूप है, अतः उसके विनाश की चिंता न कर। हे भरत श्रेष्ठ, तू युद्ध कर। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, यह आत्मा तो वास्तव में अविनाशी है। जो इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं वे अज्ञानी है, क्योंकि ये सनातन तत्व आत्मा न तो कभी किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। जायते म्रियते वा कदाचित् नावं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। हे भारत, आत्मा न किसी काल में जन्म लेता है और न कभी मरता है, उसी प्रकार यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला नहीं है। वास्तव में आत्मा अजन्मा, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह अविनाशी तत्व कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, शरीर ही अनित्य है, परंतु यह आत्मा तो अजर अमर है, ये कैसे मरेगा? वेदा विना
या एनम अजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थकम् घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनम् नित्यम् या एनम अजमव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थकम् घातयति हन्तिकम्। हे कुंती पुत्र, जो इस आत्मा को अविनाशी नित्य और अपरिवर्तनशील समझता है वो पुरुष किसे तो मारेगा और किस पर आघात करेगा। अतः आत्मतत्व के इस स्वरूप और स्वभाव को ठीक प्रकार से समझकर अपने इन संबंधियों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यह नित्य अविनाशी आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों का परित्याग कर देता है और उसके स्थान पर नवीन शरीर उसी प्रकार से ग्रहण कर देता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, सृष्टि का विकास क्रम ही जीर्ण शीर्ण के त्याग और नवीनता की प्राप्ति में अंतर्निहित है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योयम् अदाह्योयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम् सनातनः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा भी नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाई है, अक्लेद्य है और उसी प्रकार अशोष्य है। यह आत्मा नित्य है, ये तो सर्वव्यापी अचल सदैव स्थिर और सनातन तत्व है। अव्यक्त्योयम् अचिन्त्योयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुं अर्हसि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे वृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितु मर्हसि। हे पार्थ, आत्मा अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी है। आत्मा के इस स्वरूप का तो कुछ भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है, अतः शोक मत कर। यदि तू आत्मा को व्यक्त होकर जन्म लेने वाला तथा मरणशील मानता है तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तू शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितु मर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है, अतः ऐसी अपरिहार्य स्थिति में तू शोक क्यों करता है। ये समस्त प्रकृति अपने संपूर्ण प्राणियों के साथ अब प्रकट से प्रकट हुई
फिर आप प्रकट हो जाएगी। इसमें शोक की क्या बात है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेदन चैव कश्चित्। हे परंतप, अव्यक्त और सशक्त होने के कारण कोई इस आत्मतत्व को अत्यंत आश्चर्य से देखता है, दूसरे विद्वान उसका आश्चर्यजनक वर्णन करते हैं, जिसको दूसरे बुद्धिमान विस्मित होकर सुनते हैं। पर इस आत्मतत्व को देखने वाले, वर्णन करने वाले और सुनने वाले व्यक्तियों में से जानता कौन कौन है? कोई नहीं। सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु मर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितु मर्हसि धर्माथि युद्धात् क्षेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, शरीर में स्थित आत्मा सदा अभद्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तू शोक मत कर। यदि तू अपने धर्म के कारण भयभीत है तब भी तू शोक मत कर, क्योंकि धर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए धर्म पूर्वक युद्ध करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसी में उसका कल्याण है। यद्रच्छया चोपपन्नम् स्वर्ग द्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे पार्थ, धर्मयुद्ध में प्रवृत्त हुए क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय वहां इच्छानुसार सुख भोगते हैं, किंतु यदि तुम धर्म युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो धर्म और यश खोकर केवल पाप ही कमाओगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्यते भयाद् रणाद् उपरतम् मन्स्यन्ते त्वाम् महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लोग युगों तक तेरी अपकीर्ति का गान करेंगे। अरे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होती है। जो तुझे सम्मानित दृष्टि से देखते थे वे तुझे छोटा समझेंगे और महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। अवाच्य वाताश बहुं बदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा और न कही जाने योग्य बातों की यहां वहां चर्चा करेंगे, इससे अधिक दुखदायी क्या होगा।
यदि युद्ध में मरा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, इसलिए निश्चय कर और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। सुख दुखे समी कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को समान दृष्टि से देख और तब युद्ध में तत्पर हो, तू कभी भी पाप का भागी नहीं बनेगा। ये सारी बातें मैंने ज्ञान योग के संबंध में कही हैं, अब वही बातें कर्म योग के विषय में सुन। यदि बुद्ध गुरुवक उस योग से जुड़ेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कौन्ते, कर्म बीज का विनाश नहीं होता और इस क्रम का उलटना संभव नहीं है। धर्म का अल्प संयोग भी व्यक्ति को महान भय से बचा लेता है। कर्म योग में स्थित बुद्धि निश्चय में एक ही रहती है, जबकि अस्थिर बुद्धि से युक्त अविवेकी मनुष्य इसमें अनेक भेद उत्पन्न करते हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिं प्रति। लोगों को सांसारिक भोगों में प्रीति होती है, वे कर्मफल में आसक्ति रखते हैं और उनकी स्थापना में सुंदर मधुर बातों को प्रस्तुत करते हुए वेद वाक्यों के प्रमाण देते हैं। उनकी दृष्टि स्वर्ग को ही सर्वोपरि देखती है और वे भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति को ही जीवन कर्म का फल मानते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे कौन्तेय, इंद्रिय भोगों में आसक्त लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित होकर अपनी चेतना खो देती है और अनिश्चय के कारण समाधि में स्थित नहीं होती। वेद त्रिगुणात्मक है, तू त्रिगुणातीत होकर द्वंद्वात्मक जगत से परे नित्य आत्मा में स्थित हो जा। आत्मान व्यक्ति को योगक्षेम की इच्छा भी नहीं रहती।
अथ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। जल से परिपूर्ण सरोवर मिल जाने पर जैसे व्यक्ति जल के अन्य स्थानों की उपेक्षा कर देता है, वैसे ही ब्रह्म तत्व को जानने वाले वेद प्रतिपादित कर्मकांडों से संबंध नहीं रखते। कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। तू कर्म फल का हेतु मात्र न बन, पर अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगाद् धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणाह फल हेतवः। हे धनंजय, फल में आसक्ति को छोड़कर एकाग्र चित्त से कर्म कर। सफलता विफलता में समान दृष्टि होना ही समत्व योग है। हे कुंती पुत्र, सकाम कर्म समत्व योग के सामने अत्यंत तुच्छ है। कर्म के फल का हेतु बनने वाले बड़े दीन होते हैं, अतः तू समत्व योग प्राप्त कर। युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादि योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ताहि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। समत्व योग में जिसकी बुद्धि दृढ़ है वो पाप और पुण्य दोनों ही छोड़ देता है, इसलिए तू ऐसे योग में लग जा। ऐसा योग कर्मों में कुशलता प्रदान करता है। ऐसे योग से जुड़कर मनीषी लोग कर्म फल का त्याग कर देते हैं और कर्म बंधन के परिणाम जन्म मृत्यु से मुक्त होकर निर्विकार परम पद प्राप्त करते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर् व्यतितरेष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस् तदा योग मवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर लेगी, तू सुने हुए और सुनने में आने वाले ज्ञान को छोड़ देगा, तभी तुझे वैराग्य मिलेगा। भिन्न भिन्न वचनों से विचलित तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में अचल हो जाएगी, तभी तू इस योग को प्राप्त करने में समर्थ होगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधिः किं प्रभाषेत किं मासीत व्रजेत किं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनुगतान आत्मन्ये वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य
तदोच्यते। भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा बोलता है, कैसा बैठता है और कैसा चलता है? तब भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे पार्थ, जब व्यक्ति मन की सभी वासनाओं को त्याग देता है, अपनी आत्मा से स्वयं संतुष्ट होकर रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्नुमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते यह सर्वत्रा नभि स्नेहस तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुखों में कामना रहित रहता है, उसमें राग भय क्रोध बिल्कुल नहीं रहते, ऐसे मुनि जैसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ वस्तु का अभिनंदन नहीं करता, अशुभ से द्वेष नहीं, ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जैसे कछुआ सारे अंगों को अपने में समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने मन में स्थित कर लेता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। निराहार रहने का संकल्प लेने वाले व्यक्ति के मन में विषयों की आसक्ति बनी रहती है, वो विषयों को प्राप्त करके पुनः उनमें आसक्त हो जाता है। ततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, बार बार यत्न करने पर भी इंद्रियां पुरुष के मन को मोह में डाल देती हैं, ये बड़ी बली होती है, इसलिए साधक को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को पहले वश में करे और तब संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता हुआ मुझ में चित्त लगा ले, तभी उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। यतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः क्रामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करने से मन उनमें आसक्त हो जाता है, आसक्ति कामना को जन्म देती है, काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का विनाश हो जाता है, स्मृति के विनाश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि का नाश ही व्यक्ति का नाश है।
राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवशीयैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हे पार्थ, जिसने अपना सब कुछ अपने वश में कर लिया है, राग और द्वेष से परे जब वो इंद्रियों द्वारा विषयों में संचरण करता है, तब भी अंतःकरण में आनंदित ही रहता है। अंतःकरण की प्रसन्नता सभी दुखों का विनाश कर देती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नुबिधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाममिवाम्भसि। जो योग की इस अवस्था को नहीं प्राप्त करता, उसमें न बुद्धि रहती है न भावना। बिना भाव भक्ति के व्यक्ति को शांति कहाँ और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। जैसे तेज हवा नाव को दिशाहीन घुमाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में बंधा व्यक्ति का मन भी दिशाहीन होकर इधर उधर भटकता है। यस्य महाबाहो निगृहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसलिए हे महाबाहु, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि रह सकता है। जो समस्त प्राणियों के लिए रात है, उसी में तो संयमी जागता है, और जिस इंद्रिय सुखों में सांसारिक जागते हैं, वो दिन परमानंद प्राप्त में स्थित मुनि के लिए रात है। माणम मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति माप्नो तिन काम कामी। हे अर्जुन, जैसे जल से भरी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं और सब ओर से परिपूर्ण अचल समुद्र उससे विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ में समस्त कामनाएं जब समाती हैं तो वो क्षुब्ध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है, भोगों के इच्छुक को नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांति मधि गच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे कुंतीपुत्र, जो सारी इच्छाओं को त्याग कर ये मेरा है ये मैं हूं ऐसे अहंकार से रहित होकर विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है।
इसको प्राप्त कर लेने पर पुरुष मोहग्रस्त नहीं होता और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। अब प्रस्तुत है द्वितीय अध्याय का सारांश। भारतीय संस्कृति कर्म सिद्धांत पर आधारित है। जितना करोगे उतना ही मिलेगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म। कर्मों से ही पाप पुण्यों का संचय होता है और पाप पुण्यों से ही व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है। अगले जन्म का कर्ता मनुष्य स्वयं बन जाता है। कहा गया है, यदि चेद ईश्वरः तत् तव कर्म फलम्। यदि ईश्वर है तो वो तेरे ही कर्मों का फल है। जितना सुकृत होगा, पुण्य होगा, उसी अनुपात में भोग मिलेगा। पुण्यों की अधिकता ही मनुष्य के लिए स्वर्ग भोगों का मार्ग खोलती है और जब तक पुण्य नष्ट नहीं होते तब तक वो स्वर्ग सुख भोगता है। पुण्यों के क्षीण होने पर व्यक्ति पुनः संसार में लौटकर 84 लाख योनियों के चक्रजाल में फंस जाता है। इसीलिए कृष्ण फल की कामना से रहित कर्म की स्थापना करते हैं। कर्म फल की कामना मनुष्य को कर्म बंधन में बांध लेती है। जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति जितना यत्न करता है उतना ही दलदल में धंसता चला जाता है। कर्म बंधन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भारतीय धर्मों ने आत्म शुचिता पर बहुत ध्यान दिया है। वैदिक धर्म हो या बौद्ध धर्म, जैन मत हो या भागवत, वैष्णव, शैव, शाक्त, सभी में आत्म शुचिता को प्रमुखता दी गई है। आत्म शुचिता बिना निरासक्त कर्म के उपलब्ध नहीं हो सकती। फल की इच्छा न करते हुए यदि हम कर्म करेंगे तो हम में कर्ता भाव का उदय नहीं होगा। हम और हमारे कर्म पृथक पृथक रहेंगे। शारीरिक और मानसिक कर्मों का संयोग आत्मा से नहीं होगा। इस स्थिति में आत्मा कर्म बंधन से कलुषित नहीं होगी। क्या ये वृक्ष कर्म नहीं करते? रात दिन कर्म करके जो फल उत्पन्न करते हैं वे फल जगत को दान कर देते हैं। ये नदियां पानी स्वयं नहीं पीती किंतु रात दिन कार्यरत हैं। प्रकृति के जितने भी अवयव हैं वे सब सबके लिए कर्म करते हैं। महान विभूतियों के यही लक्षण है, जो रात दिन परोपकार के लिए यत्न करते हैं किंतु प्रतिदान में कुछ नहीं लेते। उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो क्षत्रिय है, उसका धर्म है कि वो धर्म की रक्षा करे, अपने धर्म युद्ध से उन लोगों का विनाश करे जो अजगर बनकर पूरी मानवता को निगले जा रहे हैं। Thank you.
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.